hello my dear students today we will start probability though you have done probability right from 8th class you know all the definitions but here again i will revise all the definitions because you need these all uh, in boards you will have this topic of 8 marks 8 marks will be distributed uh, in objective type questions very short type questions it is uh, not possibility that you'll get uh, a, a longer question, descriptive question. Descriptive means five marker. Five marker is not there, but there is one possibility. You may have a problem from this topic for case study type. Uh, so, listen here. I have written the definitions. Random experiment. Go through each and every definition properly. Random experiment, random experiments, and a sample space. फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट अंडरस्टैंड एक्सपेरिमेंट एन एक्शन और ऑपरेशन विच रिजल्ट इन सम आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट लाइक सी थ्रोइंग ऑफ अ डाइस और टॉसिंग ऑफ अ कॉइन देयर विल बी सम आउटकम अगर आप एक कॉइन को फेंकते हैं तो आपके पास क्या आएगा इधर यू विल हैव हेड और यू विल हैव टेल देयर विल भी वो पॉसिबल आउटकम दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट जिसका कुछ रिजल्ट निकलता है देन रैंडम एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रेंडम इफ इट इज रिजल्ट इन टू और मोर आउटकम्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट आउटकम इन एडवांस लाइक अगेन थ्रोइंग ऑफ अ डाइस डाइस को थ्रो करते तो वॉट आर द पॉसिबल आउटकम्स द पॉसिबल आउटकम्स आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आ सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट लाइक हम पहले ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे पास सिक्स आएगा फोर आएगा थ्री आएगा दैट आई कान से सो लुक हेयर एट दिस डेफिनेशन फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन थ्रोइंग ऑफ अ डाई एंड ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम फिफ्टी टू कार्ड्स अब आपके पास फिफ्टी टू कार्ड हैं आप कोई भी कार्ड बाहर आ सकता है आप नहीं कह सकते हैं कि एस आएगा या टेन कार्ड आएगा या किंग आएगा इट्स नॉट देयर देन सैम्पल स्पेस कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स जितने भी पॉसिबल होते हैं इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट वॉट वेन वी वेन वी टॉस अ कॉइन वेन वी टॉस अ कॉइन वॉट इज देयर वेन वी टॉस अ कॉइन सैम्पल स्पेस इज हैड टेन वेन वी थ्रू आर आइस दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड वन मोर एग्जाम्पल है डाई एंड अ कॉइन अ डाई एंड अ कॉइन आर टॉस्ट टूगेदर देन वॉट विल बी द टोटल सैम्पल स्पेस हैड वन अब कॉइन में क्या हो सकता था हेड या टेल में से कोई भी आ सकता था देन हेड वन हेड के साथ वन आ सकता था हेड के साथ टू हेड के साथ थ्री फोर फाइव अप टू सिक्स सिमिलरली विथ टेल टेल के साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी आ सकता है एंड वॉट मोर वी कैन अंडरस्टैंड दिस इसे और हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं दिस इज बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव ऑलरेडी डन नाउ वॉट परमिटेशन इन कॉम्बिनेशन आपने दिया है देखो अ डाई डाई में कितना होता है टोटल सैम्पल स्पेस सिक्स सिक्स के करस्पोंडिंग कॉइन में कितने होते हैं टू सिक्स इंटू टू दिस इज ट्वेल्व तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते थे ट्वेल्व हो सकते थे नाउ इवेंट वॉट इज एन इवेंट अ सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रेंडम एक्सपेरिमेंट ये सारी डेफिनेशंस यू हैव टू सी वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम होते हैं देट आर टोटली बेस्ड ऑन दीज डेफिनेशंस

फॉर एग्जाम्पल वेन थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड एंड ऑल हैड्स कम्स अप ऑल हैड्स कम्स अप देयर इज ओनली वन केस जब सारे के सारे हेड आएंगे तो उस समय एक ही केस बनेगा दैट इज हेड 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 या ऑल टेल्स अगेन देयर विल बी ओनली वन केस दिस इज सैम्पल इवेंट एंड सिमिलरली थ्रोइंग ऑफ अ डाइस इफ आई से एनी नंबर ग्रेटर देन फाइव ग्रेटर देन फाइव कहूंगी तो देर इज ओनली वन केस सिक्स एंड इफ आई से ग्रेटर देन फोर तो देर मे बी टू केसेस देर के आर देन टू केसेज फाइव और सिक्स तो ना ओनली वन केस इज सैंपल इवेंट है कंपाउंडेड इवेंट है सी इट हैज टू और मोर आउटकम्स लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये दिया आपको वॉट थ्रोइंग ऑफर डाइस And if I consider the cases greater than 4, greater than 4 may 5 i or 6 i, so both are greater than 5. This is called a compounded event. One more compounded event example I have written here. Tossing of 3 coins. See, 3 coins are tossed. Then getting at least 2 heads, come say come 2 heads. Uh, you can make the example of, you can uh, make total sample space of what?

एंड दीज आर ऑल पाउट पॉसिबल आउटकम्स नाउ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स कम से कम टू हेड थ्री हेड वाला भी आएगा एच 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 देन एच एच टी दिस वन एच टी एच एंड टी एच एच एट लीस्ट टू हेड्स कम से कम टू हेड उससे ज्यादा कितने ही भी हो सकते हैं दैट केस आई एम गोइंग टू काउंट इट इज हाउ गोट दिस इज द केस नाउ श्योर इवेंट It is a sample space itself because sample space may all the events uh, within that sample space, uh, all the events are sure, like tossing of a coin. If I say tossing of a coin and any number coming less than 6, uh, sorry, less than 7, if I say less than 7. कोई भी नंबर आएगा चाहे वन आए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारे के सारे नंबर क्या हैं लेस देन सेवन है तो दैट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट है नाउ इक्वली लाइकली इवेंट्स इफ देर इज नो रीजन फॉर एनी आउटकम टू अकर इन प्रेफरेंस टू एनी अदर आउटकम लाइक वॉट सी लाइक इन ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम फिफ्टी टू कार्ड्स इज इक्वली लाइकली गेटिंग अ स्पेड इज इक्वली लाइकली देखो अब फिफ्टी टू कार्ड से फिफ्टी टू में से कोई भी कार्ड आ जाए एनी कार्ड इज इक्वली लाइकली वो एज का आए वो किंग का आए वो टेन का आए वो सारे केसेज का है इक्वली लाइकली मतलब कोई भी कार्ड कभी भी आ सकता था केसेज उसके लिए बिल्कुल बराबर हैं कंडीशन सेम है गेटिंग अ स्पेड इज लाइकली एज वॉट गेटिंग अ हार्ट जितने चांसेज स्पेड के आने के हैं उतने ही चांसेस किसके आने के हैं हार्ट्स के आने के हैं रीजन स्पेड हैज थर्टीन कार्ड्स एंड हार्ट हैज ऑल्सो थर्टीन कार्ड्स। नेक्स्ट इज एल्ज्रा ऑफ द इवेंट्स सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज सेट इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस अदर देन ई ई e के अलावा जितने भी होंगे वो कहाँ होंगे वो ई e कॉम्प्लीमेंट में होंगे ई e डैश में होंगे ई डैश कॉम्प्लीमेंट होता है आपने पढ़ा था किसमें आपने पढ़ा था सेट्स में कॉम्प्लीमेंट वर्ड यू हैव ऑलरेडी डन उसमें क्या होता है ई यूनियन ई डैश ई यूनियन ई डैश इज एस आई विल शो यू ई यूनियन ई डैश सपोज दिस इज अ सेट एस एंड दिस इज ई दिस इज ई वॉट विल बी ई डैश ई डैश विल भी दिस वन आउट साइड ई के बाहर और एस के अंदर ये पूरा पूरा ये पूरा पूरा क्या है दिस होल इज ई डैश और राइट दिस होल आउट साइड ई एंड इन साइड एस एस के तो अंदर है लेकिन ई के बाहर है ये पूरा इज ऑ शेडेड पार्ट दिस इज ऑल ये दिस होल इज E dash. Now you can understand that E union E dash is S and E intersection E dash is what null set. kyunki E dash hai bahar aur E hai andar Intersection nahi hai अब the event A और B और जहां पर लिखा होगा आपको union use करना है. And अगर आपको लगता है तो वहां पर intersection use करना. है. A but not B. A but not B is A minus B और A इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी डैश सी एग्जॉस्टिव इवेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जॉस इवेंट्स इज आर एग्जॉस इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स आर ई वन ई टू ई थ्री एंड सोन आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विद अ सैम्पल स्पेस एस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिवियन ई टू यूनियन ई थ्री यूनियन सारे सेट्स का यूनियन मिला के सिर्फ एस होना चाहिए लेटेस्ट गो फॉर द एग्जाम्पल एस इज ईक्ल टू टोटल सैम्पल स्पेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ए इज ईक्ल टू वन थ्री फाइव बी इज टू फोर सिक्स सी इज इक्वल टू यहाँ पर ये कॉमा है सी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर देन ए यूनियन B इज एस आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी अगर सी के साथ इंटरसक्शन करते हैं तो दिस इज नॉट एस सो ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव बट ए एंड सी आर नॉट एग्जॉस्टिव इंपॉर्टेंट है ये अब आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट ये है ये ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट अब सी ए यहाँ है बी है ए और बी इंटरसेक्शन नल है उन दोनों में जब कोई कॉमन ए यहाँ है बी है इन दिस केस दिस इज ए और ये दिस इज बी एंड बी में इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव